श्याम टेरेस गार्डन। हेलो गाइस, आज मैं इनको खाद दे रही हूँ क्योंकि अभी बारिश का मौसम है तो थोड़ा अभी खाद देना पड़ेगा, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा ये, क्योंकि इसी सीजन में खाद देते हैं सभी पौधों को। ये बोने का टाइम है, बारिश का मौसम है ना, तो इसमें खाद देना ज़रूरी है। फिर साल भर नहीं देंगे तो भी चलेगा। ये गोबर खाद है पुराना वाला, वो पुराना इसमें अच्छा रहता है। यही हम देते हैं ज़्यादातर पौधों में, और कोई खाद नहीं देती हूँ, यही देती हूँ, ये अच्छा रहता है। खाद डाल दी तो इसके लौकी डाल दी, अभी इसको एनर्जी की बहुत दे रही है। इसमें भी खाद डाल देती हूँ, ये भी अच्छा ही चलेगा। अच्छा इसमें भी खाद डाल देती हूँ, धूप लगना बहुत जरूरी है, धूप जरूरी है इसकी। मिर्चियों में भी खाद डाल रही हूँ क्योंकि इसमें अभी आ रही मिर्ची आ रही अच्छी ग्रो कर रही है, अभी खाद डालेंगे बारिश का मौसम है तो अच्छा ही आएगी। जब बारिश शुरू हो जाएगी तब मेरी मिर्ची चल रही है, अच्छा अभी तो नहीं चल रही है। अभी तो मुझे मैं खाद दिन तो हो गए 20 से 25 दिन से, अब मिर्ची आएगी अच्छे से। छोटी है लेकिन आ रही है इनके भी मिर्ची, इसमें करना जरूरी है क्योंकि अगर खाद ऊपर डालोगे तो बिल्कुल रिजल्ट नहीं आएगा, खाद जड़ों में जाना चाहिए तो भी इसका रिजल्ट आएगा। ऊपर ऊपर डालोगे तो कोई मतलब नहीं है, ऊपर जड़ में नहीं जाएगा, कोई चीज़ होती जड़ में जाएगी तो भी अच्छा रहेगा। नहीं अच्छी चल रही पर खाद में इसमें 2 बार डाल रही हूँ महीने में, कभी 2 बार भी डाल देती हूँ कभी 1 बार भी डाल देती हूँ, सब कुछ डाल देती हूँ डाल देती हूँ।
इसमें खाद डाला, तो मैं आज पानी नहीं दूंगी इसमें, क्योंकि आज दिन भर धूप लगेगी। शाम को 4 बजे 5 बजे करीब मैं इसमें पानी डालूँ, क्योंकि इसको बहुत ज़रूरी है धूप लगना। खाद जितना तपेगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा इसका, क्योंकि खाद डालते ही लोग बाग बहुत सारा पानी डाल देते हैं पौधों में, फिर उसका अच्छा रिजल्ट नहीं आता। थोड़ी देर उसको धूप भी लगनी चाहिए, तब कोई उसका रिजल्ट आता खाद डालने। ऐसा नहीं खाद डाला फटाफट पानी डाल दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिन भर इसको धूप लगनी चाहिए, उसके बाद इसमें पानी डालेंगे शाम को करीब 4 बजे।